विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। पिछले बार हम लोगों ने गुणवती कन्या पाठ दो के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 3 तक का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 4 से आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थी अपने अपने सामने गुणवती कन्या का अतिरिक्त प्रश्न खोलकर सामने रखें ताकि समझने में सुविधा हो। हम यहाँ आज अतिरिक्त प्रश्नोत्तर प्रश्न संख्या 4 को समझने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। पहला प्रश्न संख्या 4 का पहला प्रश्न है, अस्य शयन व्यवस्था कृता। अस्य शयन व्यवस्था कृता। अब अस्य शब्द के नीचे रेखा खींचा गया है, ये रेखांकित पद है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को बनाने के लिए इस वाक्य का हिंदी हम समझेंगे। ये अस्य शब्द जो है कारक के विचार के अनुसार अस्य शब्द को कारक के विचार के अनुसार यह कौन सी विभक्ति और कौन से वचन में प्रयुक्त हुआ है। तो अस्य का हिंदी शब्द इसका इनकी ये शब्द क्या है कि हिंदी शब्द प्रयुक्त होता है। तो ये अस्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, संबंध कारक एक वचन में है। अस्य शयन व्यवस्था कृता, इनके सोने की व्यवस्था कीजिए। तो अस्य शब्द के बदले हम कह शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन में अगर आप शब्द रूप याद किए होइएगा तो अस्य के बदले हम कस्य देंगे। बाकी शब्द को जो का क्यों लिख देंगे, कस्य शयन व्यवस्था कृता। ये आपका प्रश्न बन गया, इस प्रश्न का उत्तर जो है बन गया। इसी तरह से ये दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 4 का दूसरा प्रश्न है, समायाम भूमौ अघट्य। समतल भूमि पर कूटा गया अघट्य। ये अघट्य शब्द जो है ये लकार को हिंदी में हम काल कहते हैं। किस लकार में यह प्रयुक्त हुआ है, तो यह जो है लंग लकार भूतकाल में यह प्रयुक्त हुआ है। और प्रथम पुरुष एक वचन में यह अघट्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। धातु के पहले और अंत में त शब्द का
हम प्रयोग करते हैं, उसने अलग्य का मतलब वह यहाँ आएगा, उसने समतल भूमि पर कुटा। अब भूमौ शब्द है, भूमौ, भूमौ के बदले हम किस प्रश्न सूचक शब्द का हम प्रयोग करेंगे यहाँ, तो भूमौ के बदले हम कश्याम शब्द का प्रयोग करेंगे। भूमौ शब्द कारक के अनुसार सप्तमी एक वचन, तो क शब्द के सप्तमी एक वचन में कश्याम होगा यहाँ। इस तरह से इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको कारक और शब्द रूप को स्मरण करना होगा। जब तक आप कारक और शब्द रूप को स्मरण नहीं करेंगे तब तक इस तरह का प्रश्न नहीं बना पाएंगे। तो आपको हम बाद में इसी वर्ग के लास्ट में हम एक होमवर्क देंगे, उसको आप याद कर लेंगे। प्रश्न चार के तीसरा प्रश्न है, तां विधिवत उपयम्या निद्वान, तां विधिवत उपयम्या निद्वान। अब यहाँ जो है विधिवत के नीचे रेखा रेखा खींचा गया है, विधिवत के नीचे रेखा खींचा हुआ है। अब विधिवत के जगह पर हम कौन से प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे, तो विधिवत के जगह पर हम कथम का, कैसे, कथम शब्द का हम प्रयोग करेंगे। तो यह वाक्य जो है हमारा प्रश्न में परिवर्तित हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न दिया हुआ है गुणवद, गुणवद विज्ञेय कलत्रम, गुणवद विज्ञेय कलत्रम। यह गुणयुक्त, गुणयुक्त कलत्रम स्त्री को प्राप्त करना चाहिए। हाँ, गुणवद स्त्री को प्राप्त करना चाहिए, तो गुणवद के नीचे रेखा खींचा हुआ है। गुणवद के बदले हम किस शब्द प्रश्न सूचक शब्द का उपयोग यहाँ करेंगे, तो गुणवद के बदले हम कीदृशम शब्द का उपयोग यहाँ करेंगे। तो यह वाक्य हमारा प्रश्न में बदल जाएगा। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आपको गृहात, गृहात गृहं प्रविश्याभ्रमत्। अब आप लोग यह बताइए हमें कि गृहात शब्द के नीचे रेखा खींचा हुआ है, गृहात शब्द के नीचे रेखा खींचा हुआ है। अब गृहात का हिंदी क्या होगा, कारक का चिन्ह आपको याद करना होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को क्रिया पादान से। ये पंचमी विभक्ति, यहां अपादान कारक के रूप में गृहात शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात यह पंचमी विभक्ति में है। घर से घर को प्रवेश करके घुमा, अभ्रमत, अभ्रमत शब्द लक लकार भूतकाल में प्रयुक्त हुआ है यहाँ, तो गृहात, गृहात के जगह पर हम दे देंगे यहाँ कस्मात। आप सभी छात्र का शब्द का कह का शब्द रूप स्मरण कर लेंगे।
आदि नवम वर्ग में पढ़े हुए थे उनसे हम याद करवाए हुए थे, पुनः इसे होम अमर्स को आप लोग गृह कार्य को पूर्ण कर लेंगे। अब आप लोग प्रश्न संख्या 5 में आइए। प्रश्न संख्या 5 आप पुस्तक से देखिए, पुस्तक इसीलिए कहते हैं पुस्तक खोल के देखिए, बार बार पुस्तक में देखिए। प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है, प्रस्तुत पाठक पढ़ित्वा अधोलिखित प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। प्रस्तुत पाठ को पढ़कर, प्रस्तुत पाठ को पढ़कर अधोलिखित, अधोलिखित का मतलब हुआ नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। प्रश्न संख्या 1, एक पदेन उत्तर, एक पदेन का मतलब हुआ एक शब्द में उत्तर दे। प्रश्न संख्या 5 के 1 का पहला प्रश्न है, श्रेष्ठी पुत्रस्य नाम किम्, श्रेष्ठी पुत्र का नाम क्या था, इसका उत्तर होगा शक्ति कुमार। प्रश्न संख्या 5 के 1 का दूसरा प्रश्न, सह विरल भूषणं काम पश्यत, उन्होंने या उसने कम आभूषण वाली किसको देखा, इसका उत्तर होगा कुमारी में, अर्थात कुमारी को, कन्या को। तीसरा प्रश्न है, सा कीदृश्यां भूमौ तण्डुलान् अघट्यत, सा मने उसने, स्त्रीलिंग रूप है सा, उसने कैसे भूमि पर तंडुलों को कूटा, समायाम अर्थात समतल भूमि पर। अगला प्रश्न है, सा तीर्थिंग स्नानायन कथं प्रेरितवती, उसने अतिथि को स्नान करने के लिए कैसे प्रेरित की, धात्री मुखेन, धात्री के द्वारा। प्रश्न 5 का पांचवा प्रश्न, तस्मिन् भुक्ते तया का कृता, तस्मिन् भुक्ते तया का कृता, तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, शयन व्यवस्था, सोने की व्यवस्था। इस प्रकार प्रश्न 5 के 1 प्रश्न तक हम लोग अध्ययन कर चुके। कल हम लोग इससे 5 के 2 से आगे बढ़ेंगे। आप सभी विद्यार्थी इसका सुंदर अक्षरों में फेयर के कॉपी में लिपिबद्ध कर लेंगे, का शब्द का रूप, शब्द रूप आप याद कर लेंगे। निश्चित रूप से जिस दिन विद्यालय का पठन पाठन का कार्यक्रम सुचारू रूप से प्रारंभ होगा, हम जितना भी गृह कार्य दे रहे हैं सबको सुनेंगे, चेक करेंगे। धन्यवाद।